हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में जो आरोही मॉडल स्कूल हुए थे उसके एग्ज़ाम हो चुके थे। उसके बाद उसकी जो आंसर की भी उन्होंने रिलीज कर दी थी, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की थी। तो आप लोगों ने अपने मार्क्स उसमें मैच कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरोही मॉडल स्कूल है उसमें नेक्स्ट राउंड क्या होगा, उसके साथ साथ उसमें स्किल टेस्ट होगा। अगर वो स्किल टेस्ट होगा तो वो क्या टेस्ट है जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ हम डिसाइड करेंगे कि जो रिटन टेस्ट हुआ है उसकी लगभग जो कट ऑफ है, जिससे नेक्स्ट राउंड के लिए जो सिलेक्शन के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी कुछ मॉडल स्कूल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के सेम कमेंट थे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट राउंड, व्हाट विल बी द स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू क्या होगा, अगर इंटरव्यू होगा तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको कैसे रिप्लाई करना है। इन सब चीज़ों का दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन सब चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो आपके पास हमेशा पोस्ट करता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा रिटन टेस्ट हुआ है जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने अपने आंसर की से मैच कर लिया है, तो उसकी कट ऑफ लगभग क्या कट ऑफ होगी कि जिससे आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो एज पर माई ऑब्जर्वेशन, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, उसमें जो आर ओ स्कूल का जो सेफ स्कोर है वो 70+ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 70+ स्कोर है तो आप काफ़ी सेफ जोन में है। आई एम सेइंग अबाउट द सेफ जोन, कि आप सेफ जोन में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 65 नंबर आ रहे तो आपका नहीं हो सकता। आई एम नॉट सेइंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, एंड सो मैं आपको सिंपल जो बता रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि जो अगर आपके 70+ का स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप जो नेक्स्ट राउंड है उसकी बड़े जोर शोर से तैयारी करें ताकि आपके नेक्स्ट राउंड बहुत अच्छे से निकल जाएं। तो इसलिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 70+ का एक सेफ स्कोर मैंने बोला है, जिसपे श्योर शॉट आपको नेक्स्ट राउंड की कॉल आ जाएगी। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि स्किल टेस्ट क्या होगा, स्किल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, कि जैसे जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा उस स्किल टेस्ट में मतलब क्या क्या आने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो स्किल टेस्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक उसको बोलते हैं कि जो आपका डोमेन है, जिस चीज़ के लिए आप सेलेक्ट किए जा रहे हो, उसका स्किल टेस्ट होता है। इस स्किल टेस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके सामने आएंगे, जैसे कि उसमें क्या सिलेबस होगा, जैसे कि आप कंप्यूटर डोमेन से हैं तो आपका कंप्यूटर डोमेन का स्किल टेस्ट होगा, अगर आप जियोग्राफी से रिलेटेड है तो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, अगर आप हिस्ट्री डोमेन से है तो आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में आपकी कैसी नॉलेज है, आपका राइटिंग स्किल्स कैसा है, ये सब चीज़ें इस चीज़ में आती है। तो सबसे पहले हम आज दोस्तों जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्किल टेस्ट, कि स्किल टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आरओई स्कूल का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो आपको एक ब्लॉग लिखने को बोल सकते हैं, वो आपको एक पैराग्राफ लिखने को बोल सकते हैं, वो आपको एक ऐसी चीज़ लिखने को बोल सकते हैं कि एक छोटा सा आर्टिकल लिख के दिखाओ। तो उन चीज़ों में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली स्किल टेस्ट का मतलब यह होता है कि आपकी सोच को आप किस तरह से पेपर पर रिप्रेजेंट करते हो या आपकी वोकैबुलरी कैसी है। तो इन सब चीज़ों में ये 6 फैक्टर हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं दोस्तों। जैसे कि जो सबसे पहला फैक्टर है वो है गुड हैंडराइटिंग। तो उसमें क्या है कि जब आप, क्योंकि आज टीचर के लिए आप जा रहे हो तो आपकी हैंडराइटिंग, जैसे आप इंग्लिश के टीचर हो या आप हिंदी के टीचर हो, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है दोस्तों। तो इसमें ये नहीं है कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग सही नहीं है वो सेलेक्ट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल गलत बात है। मतलब हैंडराइटिंग उस वे में होनी चाहिए कि अगर आप कुछ लिखो तो सामने वाला उस चीज़ को समझ सके। जैसे कि आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो जो लिखने की प्रैक्टिस होती है, जो पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस होती है, वो नहीं होती है। लेकिन इसमें आपको इस वे में लिखना है कि काफ़ी साफ सुथरा लिखाओ ताकि सामने वाला अच्छे से पढ़ सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले से थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लिया करो, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी है वोकैबुलरी। तो बेसिकली क्या होता है कि आरोही मॉडल स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इसमें जो वोकैबुलरी है वो आपकी बहुत मैटर करती है, कि जब भी सपोज आपको कुछ लिखने को दिया गया तो आपकी वोकैब क्या होती है, आप किस टाइप के वर्ड्स अगर एक पैराग्राफ में यूज़ करते हो, आप नए नए वर्ड्स यूज़ करते हो या कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हो जो बहुत ही अच्छे डिसेंट वर्ड्स हैं, या आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम काइंड ऑफ
समथिंग इन ए समरी और एनी काइंड ऑफ मोड, तो वो क्या होता है, आपकी सोच को बताता है कि आपकी सोच क्या होती है। तो उसमें आपकी वोकैबलरी होना एक पॉजिटिविटी होती है कि आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपकी हैंडराइटिंग कम है, तो आपकी जो सेकंड ऑप्शन है जो गुड वोकैबलरी है वो इस चीज़ को ओवरकम कर जाएगा। तीसरा मैं ऑप्शन हमने रखा है गुड नैरेटिव ब्लॉक्स। उसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप क्या कभी आप द हिंदू पढ़ते हो या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में क्या होता है कि एक ब्लॉग आता है जिसको बोलते हैं स्पीकिंग ट्री। उसमें क्या होता है, अगर आप कभी भी उस कॉलम को पढ़ना, वो किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सपोज वो टेररिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सपोज वो पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सपोज वो दो कंट्री के रिलेशंस की भी बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, या यूज ऑफ प्लास्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका काफ़ी नैरेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। वो काफ़ी अच्छा नरेशंस रखते हैं। तो जब नरेशंस उनका जो होता है तो उसको ऐसे करता है कि एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन पढ़ने का मन करता है, और एक जो रीडर होता है उसका पूरा माइंडसेट उसके साथ बना होता है। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर उसमें क्या होगा कि जो स्किल टेस्ट है उसमें ऐसा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, आपने सपोज आप हिस्ट्री के टीचर हो तो आपको हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा के दे दिया कि एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उसमें उस चीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर कर जाती है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी जो वोकैबलरी है वो कैसी है, उसके साथ साथ आप किस तरह से चीज़ों को नरेट करते हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला दोस्तों, डोंट बी जजमेंटल। आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाए लिखने को, तो उसमें आप उस चीज़ के बारे में बताओ, उस चीज़ को एक फ्लो में लेके जाओ, बट उस चीज़ की नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। कि कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स में काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि प्लास्टिक का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे ये हार्म होता है, उससे ये हार्म होता है, उससे ये प्रॉब्लम होती है। रेदर देन गोइंग इन ए प्रॉब्लम मोड, आप उसके सॉल्यूशन मोड में हमेशा नरेशंस लिखो कि ठीक है इतना कंजम्पशन हो रहा है, बट इसके लिए कुछ इसके नुकसान होने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या अपना इनपुट दे सकते हो कि ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम का आपको टॉपिक मिलता है तो उसके सॉल्यूशन मोड में आप हमेशा जाइए। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है, यूज पंक्चुएशन इफ रिमेंबर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई नरेशन करते हो, आप देखते हो कोई भी आप पैराग्राफ पढ़ते हो, अगर उसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं तो उससे क्या होता है बहुत तो लाइन्स होती है तो उसको पढ़ने का मन करता है। तो पंक्चुएशन तभी यूज़ करो जब आपको याद रहे। अगर आपको पंक्चुएशन नहीं आते उस टाइम, तो आप फालतू के पंक्चुएशन उसमें मत डालो, एक सिंपल सा सिंपल नरेशंस उसमें रखो। बट जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखो, कोई भी आपको वो समरी लिखने को बोला जाए, तो उसको क्या रखो कि उसको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखो कि उसमें आप क्या बोलना चाहते हो, सामने वाले को वो चीज़ अच्छे से समझनी आनी चाहिए। और सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज कैसे है कि ये बोला जा रहा है कि जैसे आरओ स्कूल में जब स्किल टेस्ट होगा तो उसमें जैसे आप जियोग्राफी से रिलेशन रखते हैं तो आपको बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपकी क्या सोच है, उस प्रकार आप हिस्ट्री से बात करना चाहते हो तो हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, 21वीं सदी का भारत आप किस तरह से सोच सकते हो ये सोच सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो वो बोल सकते हैं कि इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान, इंडिया रिलेशन विद अमेरिका, उसके साथ साथ वो आपको पूछ सकते हैं कि आज से 20 साल बाद आप इंडियन पॉलिटिक्स को किस स्टेज पे देखना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पैराग्राफ के माध्यम से आपकी सोच और आपका द वे यू रिप्रेजेंट योर थिंग्स इन लेटर्स वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं कुछ पैराग्राफ्स के जो फॉर्मेट हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें आप पढ़ सकते हो, उनको देख के समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको इन चीज़ों का नरेशन करना है। और जो लास्ट टॉपिक है वो सब्जेक्ट नॉलेज। तो बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि आप जिस स्ट्रीम के टीचर होगे आपको लगभग उसी स्ट्रीम का टॉपिक दिया जाएगा। इस चीज़ में बिल्कुल श्योर नहीं है, बट ऐसा किया जाएगा कि जिस स्ट्रीम के आप टीचर हो उससे रिलेटेड आपको कुछ पता जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के टीचर हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि वो बोल सकते हैं कि आपको व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हो उसको लिखो, डिजिटल इंडिया क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ AI, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स ऑल्सो। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और प्लीज़ Whenever you go for the your exam, तो आप एक या दो बार कम से कम लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि क्या होता है कि हम कई दिनों बाद लिखना स्टार्ट करते हैं,
तो होता क्या है कि हम काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, काटते हैं, तो बिल्कुल हम अच्छा रिप्रेजेंट करते भी सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड वाइल राइटिंग योर स्टेटमेंट्स। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। तो ये तो दोस्तों था स्किल टेस्ट, जिसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग, वोकैबुलरी, नरेशंस कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, और जजमेंटल नहीं होना है, पंक्चुएशन यूज़ करनी है अगर आपको याद है तो ही, और आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके साथ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे वो आप एग्ज़ाम देने गए तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला बोल देते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, मतलब व्हेनेवर आप जब आपको उनको डॉक्यूमेंट शो करोगे तो आपके इंटरव्यू के लिए भी बोलते हैं। तो कुछ स्ट्रीम्स के लिए वो क्या करते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जब वो इंटरव्यू लेंगे तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो उस चीज़ की हिस्ट्री पक्का पढ़ के जाओ। अगर आप आरोही स्कूल के लिए जा रहे हो तो आरोही स्कूल की हिस्ट्री पढ़ के जाओ कि आरोही स्कूल कब बनी, क्यों बनी, व्हाट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, और वो किस मोड में काम करती है। और वो जैसे आप उनके पास जाओगे तो वो हो सकता है कि वो ये बोल दे कि आपका हम इंटरव्यू लेंगे, तो अगर वो थोड़े किसी चीज़ को लेके डाउटफुल होते हैं तो वो बिल्कुल वियर्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाही ओनली आरोही, कि आप आरोही स्कूल ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वैसे है और आप इसको क्यों करना चाहते हो, वाई आर यू टेकिंग गोइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, या बाई चॉइस या बाई चांसेस फील्ड में आना चाहते हो, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द आरोही स्कूल, आप और आरोही स्कूल के बारे में क्या जानते हो। जो मैंने आपको पहले ही बोला, आप किसी भी इंटरव्यू, ना कि आरोही, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाइए जाओ, उसकी हिस्ट्री पक्का पढ़ के जाना दोस्तों। उसके साथ साथ वो पूछ सकते हैं कि इज़ आरोही बेस्ट जॉब फॉर यू, तो वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट चेंज। और जैसे एक लास्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप आरोही स्कूल ज्वाइन कर लोगे तो आप उसमें क्या चेंज करना चाहोगे। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करो, इन क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो ही किस टाइप का रिप्लाई करें। बस इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू में जब भी आप जाते हो तो आपको बिल्कुल उस चीज़ में पॉजिटिव रहना है कि वही ओनली आरोही। तो आपको ये देखना है कि आरोही स्कूल में ऐसा क्या होता है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलता, आप उन्हीं चीज़ों को बताना कि मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस्ड हूँ, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आपको वहाँ पे बोलने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ की हिस्ट्री जानते हो तो सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरोही स्कूल के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन सब क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से बोलना है और किन किन चीज़ों का इंटरव्यू में ध्यान रखना है। तो इसके साथ दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद सोच सकते हो, ताकि मैं इंटरव्यू में जब आपको एक बार वीडियो में बताऊं तो आप उससे कंपेयर कर सको कि कैसा आंसर था, मैंने क्या सोचा इस क्वेश्चंस के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे। उसके बाद रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है। जैसे दोस्तों अभी आपको पता है कि आंसर की आ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि 21st से पहले पहले ये रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ये उम्मीद जता जा रही है क्योंकि 21st को इलेक्शन है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 21st से पहले पहले आने की उम्मीद है। लेट्स होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, बट आप लोगों को लिए स्किल टेस्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार पक्का बांटना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।